फ्रेंड्स, चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एग्जांपल 5th क्लास 10th का एग्जांपल 5th करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम मेंशन भी बोलते हैं। एग्जांपल 5th का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट इसे समझना है, करना भी है, एक कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आप इसका पूरा सेंस क्या निकलता है, इसका सेंस ये निकलता है कि आपका इस क्वेश्चन का जो सेंस निकलेगा वो ये निकलेगा, वो हम आपको बता रहे हैं अभी क्या सेंस है इसका। शांता रंस एंड इंडस्ट्री एंड सेड विच इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। यहाँ तक फुल स्टॉप लगा है, इसे हम समझाने जा रहे हैं। ये कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड है आपका, एक जो फैक्ट्री है उसकी इंडस्ट्री है, वो कीवर्ड है। नीचे से कीवर्ड है, वो ऐसे कीवर्ड बना हुआ है, रूम जैसे समझ लो, जिस रूम में आप बैठे हैं, स्पेस कीवर्ड, सरमाउंटेड भी आए हाफ सिलेंडर। पूरा सिलेंडर कैसे होता है, पूरा सिलेंडर आपका पूरा सिलेंड्रिकल ये है, उसका हाफ सिलेंडर ये हो गया, ये हाफ सिलेंडर हो गया, ऐसे उसको सरमाउंटेड किए हुए है, ऐसे इसको सरमाउंटेड किए हुए है हाफ सिलेंडर ऐसे आएगा आपका, जैसे ये है। आप इधर आइए, आप ये देखिए, ये आपका कीवर्ड है, ये बच्चे के हाथ में कीवर्ड है, ये बच्चा कीवर्ड नहीं है, ये बच्चा कीवर्ड ये नहीं है, ये सिर्फ ये कीवर्ड को पकड़े हुए है, ये सिलेंडर इस पे ऐसे है, ये हाफ सिलेंडर ऐसे रख दिया है, ये ऐसे हाफ सिलेंडर को बीच में से कट कर दिया, उसके ऐसे रख दिया, यहाँ पर बना हाफ सिलेंडर हो गया। तो यहाँ पर एक सेकेंड इधर आओ, जैसे ये रहा हाफ सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर ऐसे होगा, सिलेंडर तो हमने आपको बताया है, लेके आई सिलेंड्रिकल फिगर, जल्दी से हाफ सिलेंडर की शेप ऐसी होगी, ये ऐसे पड़ी, ये मतलब झोंपड़ी टाइप की हो गई इस तरीके से। आप सिलेंडर था, बीच में से कट कर दिया, तो ये शेप आएगी उसकी, तो वो यहाँ पर हटाओ। ये यहाँ पर क्या है, इफ द बेस ऑफ साइड इज ऑफ डायमेंशन 7 × 5 7 × 15, मतलब पहले लेंथ आ गई, 7 क्या है लेंथ है और ये विड्थ आ गई, तो 7 लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी ले लो। यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है, आपके जो फिगर दिया है, ये जो फिगर दिया है आपका बुक के अंदर जो फिगर है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो है लेंथ है 15, विड्थ 17, हाइट 8 है, ये हाइट कितनी है 8 और विड्थ 7 और लेंथ 15 है, ये दिया हुआ है इसके अंदर क्यूबॉइड की। तो एंड हाइट ऑफ द पोर्शन इज 8 मीटर, हाइट कितनी है 8 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द सेट कैन होल्ड, इसमें कितनी एयर आ सकती है, इसमें पूरी एयर कितनी आ सकती है। जैसे हमारा रूम है, क्यूबॉइड है, इसके ऊपर सेट पड़ा हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, सिलेंड्रिकल, हाफ सिलेंड्रिकल, तो इसमें कितनी हवा आएगी। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द सेट ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ, जो उसके अंदर मशीनरी है, जो मशीन है, मशीन्स हैं, वो कितनी जगह घेर रही है, 300 मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब क्या है, 300 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम की बात होगी, मीटर क्यूब है ये, यहां पर मीटर क्यूब है वॉल्यूम मशीनरी। एंड द 20 वर्कर्स ईच ऑफ मैन ऑक्यूपाइज अबाउट 0.08 मीटर क्यूब, एक जो वर्कर है वो कितना वॉल्यूम ले रहा है, कितनी जगह ले रहा है, 0.08 मीटर स्पेस ऑन एवरेज। देन हाउ मच एयर इज इन द सेट टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो ये क्लियरली आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 कीवर्ड की बात करो, कीवर्ड का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा एल बी कितना है उसका,
7 into 15 और हाइट कितनी है 8 है, तो ये 8 यहाँ पर मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका आ गया? कीवर्ड का। कीवर्ड का मतलब जिसमें आप बैठे हुए हैं रूम, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड का वॉल्यूम आ गया एल बी इंटू एच। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका 7 into 15 into 8 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 7 8 56 into 15 मीटर क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई टोटल बता दीजिए कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई 56 into 15 840 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम किसका आ गया, ये वॉल्यूम आ गया आपका कीवर्ड का, किसका आ गया कीवर्ड का, रूम का। आप फोर्थ हैंड कौन सा सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, ऊपर हाफ फोर्थ हाफ सिलेंडर, फोर्थ हाफ सिलेंडर, हाफ सिलेंडर, तो हाफ सिलेंडर रेडियस तो वही होगा, तो इसका सिलेंडर का डायमीटर कितना है, सिलेंडर का, सिलेंडर का डायमीटर कितना है बोलो, जितना जितना उसका ये है, जितना उसका विड्थ है, जितना विड्थ है वो डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 7 मीटर और रेडियस इसका कितना आ जाएगा 7 by 2 मीटर। अब हमें इसकी हाइट चाहिए, हाइट कितनी हो जाएगी 15, हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, हाइट बोलो सिलेंडर की 15 मीटर, हाइट 15 मीटर। ये क्लियर दिख रहा है ना, ये सिलेंडर पोर्शन उस पर रखा हुआ है ना, वो जो लेंथ है ना इधर देखो, जो ये लेंथ है ना वो ऐसे खड़ा करेंगे सिलेंडर को तो हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐसे लिटाएंगे तो लेंथ है, तो यहाँ पर इस रूम के ऊपर है ना फेस के, तो यहाँ पर अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यहाँ पर इन्होंने कहा है 22/7, आर रेडियस 7/2, दो बार लिखेंगे, दो बार क्यों लिखेंगे, स्क्वायर है, हाइट हाइट कितनी है 15, हाइट 15 है, हाइट कितनी है इसकी 15 है, तो हम इसके 15 ले लेंगे, 15 हाइट 15 क्यों, देखो आप कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि सिलेंडर एक खड़ा है तो हाइट ये है, और सिलेंडर को हैवी हाफ सिलेंडर को ऐसे उसके रूप पर उसके छत के ऊपर रख दिया तो वो लेंथ ही क्या हो गई, हाइट होगी सिलेंडर की। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 7 7 यहाँ से कट करो, 11 ये आ जाएगा, 11 7 जा 77 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 15/2। अब आप क्या करो, सीधे से यहाँ से आप 77 into 15 मल्टीप्लाई करिए, 77 into 15 का मल्टीप्लाई करिए, 1155 और ये 2 आ जाएगा, इसे सीधे आप डिवाइड कर दो 1155 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 5.7, नहीं आप गलत बोल कर रहे, ये इसको प्रॉपरली डिवाइड करिए 1155 को 577.2 meter cube। ये देखिए आप यहाँ पर स्पेस बढ़ गया, बढ़ा ना, इसपे क्या था कि जैसे आपका अब आपका सिलेंडर हाफ है ना, ये तो आपका 11552 को 2 से डिवाइड करेंगे, 11552 को 2 से डिवाइड करेंगे 577.5 meter cube। अब ये तो किसका, हाफ सिलेंडर का, हाफ सिलेंडर उसके ऊपर रखा है तो हाफ सिलेंडर हाफ से डिवाइड कर दो, पूरा सिलेंडर नहीं है हाफ सिलेंडर है तो 2 से डिवाइड कर दो, 577.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 288.575 meter cube, इतना। तो अब देखो वहां पर उसमें मशीनरी कितनी जगह घेर रही है, 300 meter cube मशीनरी रखी है ना उसके अंदर, जैसे हम इस रूम के अंदर बैठे हैं ना, मशीनरी रखी है वो जगह घेर रही है, कितना ऑक्यूपाइड जगह कर रही है 300 meter cube, उसने जगह ले ली कि नहीं ले ली। अब वर्कर्स कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, एक वर्कर कितनी जगह घेर रहा है,
एक जगह एक वर्कर कितनी जगह ऑक्यूपाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.08 मीटर क्यूब। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16 और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पॉइंट के आगे दो डिजिट है दो के आगे लगा दो तो ये आ गया 1.6 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इन द किसके अंदर है ये सारा इन द शेड क्या लिखा है क्यूबॉइड। अच्छा तो आपका शेड के अंदर या फिर आप लगा दो इसे लिख दो क्या लिख सकते हैं इसे रूम के अंदर इंडस्ट्री के अंदर तो बेसिक क्या था क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना था क्यूबॉइड का रूम का वॉल्यूम था 840 उसमें एयर आ गई 840 मीटर क्यूब। फिर ऊपर क्या था ऊपर उसके है हाफ सिलेंडर था तो हाफ सिलेंडर में गैस या हवा कितनी भर गई 2.8875 इतनी एयर आनी चाहिए। लेकिन क्या है कि उसमें मशीनरी रखी हुई है तो मशीनरी ने कितनी कितनी जगह ऑक्यूपाई की 300 मीटर क्यूब और 20 वर्कर भी हैं। एक वर्कर ने कितना ऑक्यूपाई किया 0.08 20 ने कितना किया था 1.6 तो माइनस 1.6। अब वैसे तो एयर कितनी आनी थी 840 प्लस 2.8875 लेकिन मशीनरी ने ऑक्यूपाई कितना कर लिया 300 और वर्कर्स ने कितना कर लिया 1.6 इतना वॉल्यूम उन्होंने कवर कर लिया। तो आप क्या करो 840 में से 300 जाने दो तो कितना आएगा 540 क्या आएगा 540 तो ये आ गया आपका 540 प्लस 2.8875 840 में से 300 माइनस कर दिया माइनस 1.6। अब आप क्या करो इसमें प्लस करो 2.8875 प्लस 540 यहां पर स्पेस नहीं है रनिंग एवर तो यहां पर हमने कहा 540 प्लस 280 तो यहां पर कितना आएगा 0.75 यहां आ जाएगा और 8 और 0 का प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 और 4 8 4 जब 12 12 का 2 आ जाएगा 1 और आएगा 5 2 7 8 आ जाएगा 8 8 2 8 आ जाएगा 8 2 8 8 2 8 828.75 माइनस कर दो 1.6 को तो यहां से माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा पॉइंट 8 में से बन गया तो 7 आ जाएगा 2 आ जाएगा 8 आ जाएगा मीटर क्यूब इतनी एयर उसके अंदर होगी। किसके अंदर इतनी एयर किसके अंदर होगी इंडस्ट्री के अंदर होगी। इंडस्ट्री के अंदर क्यों होगी इतनी क्योंकि उसने 20 वर्कर्स का वो भी माइनस कर दिया मशीनरी का वॉल्यूम वो भी माइनस कर दिया तो आपका फाइनल आंसर आया 827.15 मीटर क्यूब एयर विल बी इन द शेड या इन इंडस्ट्री। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छी तरीके से करिए कई बार एग्जाम में आया भी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप समझ में आया है तो हमने बड़ी मेहनत से किया है आप भी मेहनत से करिए और लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड जय हिंद जय। समझ में आ गया देखो।